हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम सो हैप्पी। हम पहुंच गए हैं डनांग। यस, डनांग। और ये देखो कैसी सड़ी शक्ल बना रखी है इसने। हमने एक्चुअली अभी कैब बुक किया है यहाँ से, ग्रैब से, और वो आ रहा है और ये ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट। तो अब हम यहाँ आ गए हैं, वी आर गोइंग टू आवर होटल। हमने पहले से ही बुकिंग करवा ली थी और अभी दिखाते हैं। यार ये एयरपोर्ट इतना प्यारा है, लेट मी शो यू। ये अभी भी कैब फाइंड कर रहा है, कहाँ है, आई डोंट केयर, कहीं पर भी होगी। क्यों दिक्कत? लैंग्वेज बैरियर है यार यहाँ पे। तो ही उनको हमारी भी समझ आती है, हमारी भी समझ नहीं आती। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सो वी गॉट आर कैब एंड वी आर गोइंग टू होटल। यार ये मेरे को तो एयरपोर्ट नहीं लग रहा, मुझे कोई अच्छा सा गार्डन टाइप लग रहा है। वी आर एट द होटल। थोड़ा चेक इन का इशू है क्योंकि सुबह के 6 बजे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमें अर्ली चेक इन नहीं मिल रहा है क्योंकि अर्ली चेक इन होता है 2 घंटे पहले। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी वो मैनेजर से बात कर रहे हैं। हाँ, दे वर आस्किंग लाइक आपको 100% अमाउंट पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वाई वुड आई पे फॉर फ्यू आवर्स। तो हमने इन्हें रिक्वेस्ट किया है, तो ये अभी ये मैनेजर से बात करके हमें कुछ डिस्काउंट दे देंगे। सो वी कैन चेक इन। अभी हमने नॉर्मल वाला रूम लिया और बाद में 12 बजे के बाद हम चेंज कर लेंगे। आई एम सो टायर्ड, मेरे को बस सोना है 2-3 घंटे के लिए। फिलहाल यही हमारा रूम है, बट 12 बजे हम चेकआउट कर देंगे यहाँ से और दूसरे रूम में। फाइनली ये जो व्यू है वो है सिटी का व्यू, एंड हमने तो सी व्यू लिया था। ओ ये क्या है, खुल नहीं रहा है क्या? वेंटिलेशन के लिए। हाँ, सी द सिटी। ये अभी सिटी व्यू है, लेकिन वी ऑप्ट फॉर पार्शियल सी व्यू। तो अभी हमारा 12 बजे के बाद रूम चेंज आएगा। यहाँ बारिश बहुत होती है यार। हाँ बारिश होती रहती है। हाँ, एंड इट्स एन, ये भी सही है रूम, बस थोड़ा छोटा है। एंड दिस इज द बाथरूम। ये बज रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए क्योंकि ब्रेकफास्ट रेडी है। मैं स्लीपर चेंज कर लूँगा, हमने जूतों से बहुत परेशान हो गई थी, तो स्लीपर चेंज करके हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। उसके बाद हम 1-2 घंटे रेस्ट करेंगे, फिर पास ही में ही बीच है, वहाँ चलेंगे। और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ, हमारा जो होटल है ये एयरपोर्ट के पास ही है, तो हमने यहाँ पर ग्रैब एक ऐप है जिसमें आप कैब बुक कर सकते हैं, तो हमने उससे ही कैब बुक की थी। और हमने वहीं एयरपोर्ट से ही सिम कार्ड ले लिया था क्योंकि हमारी टाइमिंग थोड़ी ओड थी यहाँ पहुँचने की, और फिर हमने कैब बुक करी और हम होटल पहुँच गए। तो यहाँ थोड़ा अर्ली चेक इन का इशू है, विल लेट यू नो लेटर जब मैं मैनेजर से बात करूँगी। फिलहाल के लिए इन्होंने हमें रूम दे दिया, सो वी कैन रेस्ट एंड सो वी कैन हैव ब्रेकफास्ट। और कैसा लग रहा है यहाँ के? बढ़िया यार। सबसे पहली चीज तो पता, बाहर आके क्या लगती है? क्या हवा? लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, देखते हैं। ओके, स्वीट एंड सार फ्राइड पोर्क। यार ब्रेकफास्ट में कौन पोर्क खाता है? मेरे जैसे चिकन खाने वालों को क्या होगा यहाँ पर, पता नहीं। फ्राइड राइस विद वेजिटेबल, दिस इज़ व्हाट आई कैन ईट। तो ये लिए फिलहाल मैंने ब्रेकफास्ट में फ्राइड राइस, फ्राइड चिली गार्लिक सॉस एंड पोटैटो, और ये है राइस रोल। लेट मी ट्राई कैसा है। और दिस वन इज़ सुशी, है वेजिटेबल सुशी है जो मैंने लिया, बताओ कैसे है। ये वेजिटेबल नहीं है जो आपने लिया, कैसी है? अच्छी है। और आपने क्या लिया? ये डुपलिंग्स है, चिकन ही वेज वो है, मतलब पॉक चिकन लग रहे हैं। लग रहे हैं क्या होते हैं? सुशी अच्छी नहीं है, डबलिंग्स अच्छे हैं। अच्छा भाई, मैं तो सिर्फ यही ब्रेड खाने वाली हूँ और कुछ भी नहीं। व्हाट अबाउट यू? और मैं लेके आ रही हूँ फ्रूट बहुत सारा। मेरे साथ यही होना है भाई, सारा का सारा खाना फीका, नमक ही नहीं। मुझसे वो तो खाया नहीं गया। फाइनली आई चेंज माई ब्रेकफास्ट टू दिस, दिस इज़ व्हाट आई कैन ईट। आपको कैसा लग रहा है ब्रेकफास्ट? बढ़िया लग रहा है ना? कितना खाओगे यार? देखो मैंने आपको बोला है ब्लॉग करने के लिए, ये बोलने के लिए बोला। मैंने पूरी प्लेट अपनी छोड़ दी, ठीक है। इसने फ्रूट्स खाए हैं सिर्फ, और एक ये डेजर्ट खाए हैं बस। ओहो, बस खत्म। अभी तो 1 वीक टू गो यार। हो गया यार, मेरे को खाने की बड़ी दिक्कत होती है यार, बाकी सब तो ठीक है, खाने में बहुत दिक्कत होती है। बट ठीक है यार, खाना हो ही जाता है किसी भी तरीके से ना, कुछ मिल ही जाता है जो अच्छा ही लगता है ना।
अब इतना बड़ा बूफे है जैसे, तो उसमें एक कुछ आइटम मिल ही गई ना खाने के लिए। फ्रूट तो होता ही है ना हमेशा। हाँ चलो इसे फिनिश करते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करते हैं बस एक दो घंटे, उसके बाद बाहर चलते हैं बीच पे। सो फिलहाल हम हो गए हैं रेडी बीच पे जाने के लिए डनांग में। सो अभी हो रहे हैं 11:30 और हम सो गए थे आके ब्रेकफास्ट करके, बहुत थके हुए थे, सिर्फ 2 घंटे सोए हैं क्योंकि हमें आगे भी जाना है अभी घूमने के लिए। फिलहाल होटल के बिल्कुल पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है बीच, अभी हम बीच पे जा रहे हैं। कितना खुला डुल्ला है ना, साफ सुथरा, एकदम साफ सुथरा पड़ा है यहाँ, हमेशा ही ऑलमोस्ट बारिश होती रहती है। हमारा दिल्ली भी ऐसे ही हो जाए तो मजा नहीं आ जाए। हाँ अभी हो रहा है, साफ सी हवा हो जाए, वो सामने बीच हो, यहीं पर ही हमें मोटर बाइक मिल जाएगी तो लेट्स सी अगर हम लेते हैं तो। हाँ अभी लेंगे ना। हाँ देखते हैं ना अगर लेनी है कि नहीं लेनी है, विल सी। जो भी है यार कुछ भी है वो, लेकिन मुझे नहीं खाना है। हमारी जो होटल की लोकेशन है वो बहुत ही सही है, सामने ही है ना, चलो ना। अच्छा ठीक है ठीक है, हमारे जो होटल की जो लोकेशन है वो बहुत ही सही है, बिल्कुल वॉक इन डिस्टेंस है 200-300 meters का बीच का, और हम यहाँ पहुँच गए हैं बीच के बाद, देखते हैं क्या करते हैं। यही सही मछली पकड़ते हैं और बाहर ही जाके बेच देते हैं। हाँ मुझे क्रैब्स नहीं दिख रहे हैं बीच पे यार, मुझे ना ये क्रैब यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि सामने ढाबे वालों ने निकाल लिए हैं। यहाँ पे आ ही नहीं रहा है क्रैब कोई डर के मारे। ये मुझे मालदीव के देखो उससे ऑब्वियसली गंदा है क्योंकि वहाँ का एकदम नीला नीला पानी, वाइट सैंड, लेकिन स्टिल मुझे ये बेटर लग रहा है पता नहीं क्यों। अरे क्योंकि वो मेरे ख्याल से ना वाइब जैसे आसमान और ये काइंड ऑफ मिल रहा है तो, है ना, इसलिए कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ मैं कह रहा हूँ लोगों को डाउट नहीं होगा, ऐसा लगेगा उनको कि हम हनीमून पे आए हैं, है ना। क्या करूँ मैं, जैसी कोई आए बोल दूँ हाय वी आर नॉट ऑन हनीमून। हाँ सीधा डायरेक्टली जैसी आई कांटेक्ट हुआ हाय वी आर नॉट ऑन हनीमून, हाय वी आर नॉट ऑन हनीमून, ठीक है, डोंट थिंक वी आर कमिंग टू वियतनाम फॉर हनीमून, ऑब्वियसली इट्स आवर एनिवर्सरी ट्रिप, सेम थिंग विद यू, सेकंड हनीमून, सेकेंड हनीमून। आज देखो वो हमारा होटल है सिसिलिया और ये बीच बिल्कुल पास में है। व्हाट अ व्यू, मैंने कितनी अच्छी लोकेशन बुक किया ना, कितनी बढ़िया लोकेशन, बहुत बढ़िया क्रेडिट। ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हर कि हमें मन करेंसी चेंज करानी है, बहुत मेहनत और जद्दोजहद करना पड़ रहा है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर हर किसी को इंग्लिश नहीं आती है। वेयर इज द बैंक, और वो कितनी प्यारी सी थी। बहुत मेहनत करी, फिलहाल उसने हमें बोला कि आसपास मतलब ज्वेलरी शॉप से यू विल गेट अ बेटर रेट, या फिर आप बैंक से एक्सचेंज करवा सकते हो वहाँ पर आपको। 800 मीटर है, पैदल चलना है क्या? हाँ पैदल ही चलते, 800 मीटर होता कितना है, तो बैंक से मिल जाएगा, लेकिन बैंक इज क्वाइट फार, तो अब हम जा रहे हैं ज्वेलरी शॉप, वहाँ से हमें सही रेट मिल जाएगा। तो अभी हमें उसने मैप में लोकेशन डाल के दी है, लेट्स फॉलो एंड सी कहाँ पहुँचते हैं। हमने करेंसी एक्सचेंज करवा ली है, अब हम बहुत हमें बहुत अमीर हो गए, हमें मिले 69 lakh rupees। 69 नहीं है यार, ये ज़्यादा ही है। 69,400 मतलब 69,40,000। 5, 10, 15 बस ठीक है यार, ऐसे मत करो, पैसे गली में नहीं गिरते हैं। 35, 40 चलो पिज्जा हट, पिज्जा हट। हाँ तो पिज्जा हट चलो, मैं तो तुम्हें बोल ही रहा हूँ, तुम कह रही हो यहाँ की डिश ट्राई करनी है। हाँ मैं तो खा लूँगा, तुम भूखी रह जाओगी यार, मेरे को लगता है यहाँ की ट्राई करनी चाहिए। बेटा भूखी रह जाओगी बता रहा हूँ मैं। कुछ स्पाइसी सा तुम्हें खिलाता हूँ मैं, झींगे का सूप आ जाओ। मैंने चीप ऑप्शन ढूंढ लिया, ये खा रहा था 5 lakh का बर्गर, अभी ये सेटल टू 1.5 lakh और 2 lakh। 5 lakh का पिज्जा और सॉरी 5 lakh का पिज्जा, नाउ वी आर सेटल टू 1.5 lakh और 2 lakh। छोटा सा यहाँ पर पिज्जा का एक वो है, यहाँ पर मिलता है इटालियन रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक इटालियन कुजीन, सो आई गेस यहाँ पर बेटर मिल जाएगा। मैं कुछ रिस्क नहीं लेना चाहती थी, मैंने नॉनवेज कुछ ऑर्डर ही नहीं किया है, मैं नॉर्मल पिज्जा खा रही हूँ, चीज़ वाला।
ओके डोंट गो विद इट बिफोर चीज इज द बेस्ट वाओ भाई 3,45,000 का बिल आया दीदी सही है यार तुमने तो अजम्पशन सही लगाई थी मैंने कहा था आपको इतना ही आएगा भाई पहली बार 1,000 रुपये टिप में दे रहे हैं दे दूँ 1,000 रुपये दे दो इससे छोटा नोट नहीं है मेरे पास ये पूरा वॉशरूम ही है बेसिकली एंट्री करते ही आपकी एंट्री वॉशरूम में ही होगी और ये है वॉश बेसिन हियर यू कैन टेक बाथ और ये है यहाँ पर नहाने का खुला खुला नहाओ भाई कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है और ये है हमारा बेड एंड दिस इज अ ड्रेसिंग सेटअप एंड कबर्ड ओ माय गॉड मैं गिर ना जाऊँ क्या देख रहे हो ये स्काइल बार है इनका सामने पूल और ये रहा लेट्स हिट भाई पानी तो बहुत ठंडा है तो हमसे तो मैं मतलब गई लेकिन वापस आ गई और ये भी आधा नहा के वापस आ गया मैं यहाँ तक ना आया मतलब पिक्चर चाहिए थी यहाँ पर मुझे बट वो हो नहीं पाई क्योंकि पानी डीप भी है थोड़ा सा और आई कांट डू इट अलोन सो छोट एक आधी पिक्चर डीप तो इतना नहीं हाँ, है मतलब बीमार ना हो जाएगी वो तो मैं पकड़ लेता हो जाएगा हाँ वो तो मैं पकड़ लेता लेकिन पानी ठंडा बहुत है और आज भी देर भी हो रही है तो लेट्स गो आई गॉट रेडी अभी अभी हमने ये स्कूटी रेंट की है 1.5 लाख रुपए की हाँ वो बना ली मैंने वीडियो ठीक है बस अब ये पेट्रोल पंप का रास्ता बता रहे हैं और हम निकलने वाले हैं ये रही हमारी स्कूटी ये ऑटोमेटिक है अंजू पूछ रहा था ऑटोमेटिक का मतलब क्या है बेचारे को समझ नहीं आया और उसने कहा ट्रांसलेट करो तो फिर उसने चला के ही दिखा दी भाई ऐसे है सो दिस इज आवर राइड और हम लोग जा रहे हैं होई एन 20 यहाँ से 23 किलोमीटर है लेट्स सी कैसे जाते हैं कैसे मजा आएगा फुल ऑन ओ फोन वगैरह लगा दिया आपने अभी पहले हम जाएंगे पेट्रोल पंप